मेरे चैनल में फिर से सब लोग को स्वागत है। ये देखिए एसएलआरटी कोच में आया, तो अभी आज जानेगा हम लोग जो बास कपलर हम लोग का होता है गाड़ी में, तो बास कपलर कैसे पकड़ता है और किसका लाइन कैसे होता है, तो इसका बारे में हम बात करेगा। जैसे कि देखिए बास कपलर ये स्विच है, ये स्विच बटन देख सकते हैं आप, ऑन स्विच। तो इसको बास कपलर को आपको ऑन करने के लिए 24 वोल्ट को आपको ऑन कर लेना है और 110 भी देखिए इधर है, 110 भी कंडक्टर को ऑन कर देना है। चाहे कोई भी बाईपास को ऑन कर सकता है, कोई भी एक ऑन होने से होगा। बाई आपको 110 वोल्ट लेना है आपको पैनल में, क्योंकि 110 से ही आपको जो बास कपलर कंडक्टर है K02 तो वो होल्ड होता है। तो वो बास कपलर में 110 वोल्ट कैसे पहुँचता है उसका बारे में हम बात करेगा। और उसका जो ऑक्सिलरी कंडक्टर होता है 2X जो पैनल का अंदर में है, ये देखिए ऊपर में होगा, ये देखिए K2X कंडक्टर है ये ऊपर में। ये कंडक्टर भी कैसे होल्ड होता है इसका बारे में बात करेगा। ये कंडक्टर आपको दिखाएगा जी, ये 2X कंडक्टर का हम जैसे पुश कर देगा तो बास कपलर कंडक्टर पकड़ लेगा। देखिए हम इसको पुश कर देता है, देखिए आपको बास कपलर का ये साउंड दे रहा है। देखिए देखिए छोड़ दिया, आपका कंडक्टर होल्ड हो गया। मतलब ये कंडक्टर जैसे होल्ड नहीं होगा तब तक हमारा बास कपलर कंडक्टर ये होल्ड नहीं होगा। तो हम जिस तरफ से कंडक्टर को होल्ड कराएगा, चाहे ये तरफ से चाहे बी तरफ, कोई भी तरफ से हमको होल्ड करवाना है जिस तरफ का हमको चाहिए, तब तो हमारा ये जो बास कपलर कंडक्टर है 110 वोल्ट DC इसका कॉयल है। तो ये कॉयल में कैसे सप्लाई पहुँचता है ये हम देखाएगा इसका सप्लाई। तो आप लोग वीडियो का अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको देखिए जो हम लोग का यहाँ में स्विच दिया हुआ है, ये देखिए जो प्लान सिलेक्टर स्विच होता है यहाँ में। देखिए आप जैसे आपको मूड में करना है, चाहे ये मान लीजिए अच्छा है तो ये मूड करके आपको ये चूजी ए को एक नंबर में कर देना है, तब तो आपको बास कपलर उसके बाद ऑन स्विच बटन करने से आपको बास कपलर पकड़ जाएगा। देखिए आपको हम जैसे ऑन स्विच पुश बटन करेगा तो हमको बास कपलर पकड़ जाएगा। देखिए तो बास कपलर ले लेगा, उसका साथ साथ देखिए अंदर में हम लोग का देखिए 10 नंबर कॉन्ट्रेक्टर होता है K10, ये पकड़ लिया, ये होल्ड हो गया। और इसके साथ साथ देखिए इसका जो MCB है ये ऑन है। हम अगर ये 2 एम्पियर M2 को काट देगा, देखिए काट जाएगा, देखिए काट गया। ये एक नंबर के लिए होता है, एक नंबर तरफ का, तो ये कंडक्टर 10 जो बस का ब्लर एक नंबर का होता है और K11 है 2 नंबर का तरफ से होता है। हम लोग का कोई कोई घर में वैसे उल्टा भी है, जैसे पावर कार में ज़्यादातर उल्टा होता है, 11 नंबर एक नंबर होता है और 10 नंबर बी का होता है। तो इसमें एक नंबर 10 नंबर कंडक्टर जो है वो 24 वोल्ट का होता है। तो अभी देखिए इसका सप्लाई कैसे ऑन होता है हम देखा दिया आपको, एक नंबर से कैसे ऑन करना है। अभी 2 नंबर देगा तो 2 नंबर HOG इधर देखिए जो सिलेक्टर स्विच है HOG भी RA का, तो ये अनुसार से 2 नंबर भी ऑन हो गया, आप देख सकते हैं पैनल में 2 नंबर ऑन हो गया। तो इसका लाइन हम आज बताएगा, तो वीडियो अंत तक देखिएगा कैसे जा रहा है, हम अभी वो बता रहे हैं। देखिए ये यहाँ में जो MCB है, देखिए M2A और M2B यहाँ पर सिंगल पोल का MCB है। यह 110 वोल्ट DC है, ये यहाँ से वागो से लिया गया, ये DC वागो पॉजिटिव से लिया गया, 110 वोल्ट पॉजिटिव से लिया गया है, पॉजिटिव इसका साइड में पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव से पॉजिटिव ये 110 वोल्ट पॉजिटिव का लिया गया है। यह हमें 2 तार देख सकता है, तो ये डबल वायर किस लिए है, यहाँ से एक लूप यहाँ पर दे दिया गया। देखिए यहाँ से लूप यहाँ पर एक तो दे दिया क्योंकि 2 नंबर जो M2B इसमें भी एक 110 चाहिए, तो इसका बारे में थोड़ा बाद में बताता है, पहले इनकमिंग को बता दिया। ये देखिए डबल वायर है, एक वागो से आया और यहाँ पर सिंगल पोल का MCB का नीचे लूप है ये, और 110 वागो से आया, तो ये सिंगल पोल MCB पार होते हैं। देखिए ऊपर में जो कनेक्शन है जैसे ऑन करेगा ये पार हो जाएगा, तो ये सप्लाई हमको ये एक नंबर का हम बात करें तो एक नंबर कॉन्ट्रेक्टर पर हमको जाएगा। एक नंबर कॉन्ट्रेक्टर कौन है, 24 वोल्ट का कॉन्ट्रेक्टर, देखिए बास कपलर कॉन्ट्रेक्टर जो होता है K10, ये कॉन्ट्रेक्टर का NO पर जाएगा। ये जब तक ऑन नहीं होगा तब तक ये NO NC नहीं बनेगा, तो NC जैसे बनेगा तभी ये सप्लाई होल्ड होगा। तो ये K10 में जाएगा, तो K10 ये देखिए सप्लाई आपको दिखा देता है, K10 आपका सप्लाई ये वाला सप्लाई आ रहा है आपको दिखा देता है। ये देखिए 171 नंबर सप्लाई है, इधर भी देखिए आपको ऊपर में 2M इधर आपको 171 नंबर ये देखिए सेम है, तो यहाँ से सप्लाई उठ के आ रहा है यहाँ पर। तो ये सप्लाई ये जैसे पार होगा ये सप्लाई ये वाला ये किनार पर, ये देखिए ये वाला सप्लाई 171 सप्लाई ये जाएगा हम लोग को। जो हम लोग का ये एक नंबर का हम बात कर रहे हैं, एक नंबर तब तो कौन होगा जब 2 नंबर हमको बंद रहेगा,
दो नंबर का सब चीज बंद रहेगा तभी एक नंबर हमको हॉन होगा। तब दो नंबर बंद रहने के लिए हम लोग को ये जाएगा एचओजी जो मेन कंडक्टर है एचओजी बी। तो ये मेन कंडक्टर, ये मेन कंडक्टर ये है जो कि इसका ये ऑफ रहना होगा, इसलिए इसका एनसी पर जाएगा कनेक्शन। एनसी इधर देखिए, आपको दिखा देते हैं एनसी कनेक्शन। ये वाला देखिए 100, ये देखिए उधर से ये ऊपर वाला सप्लाई है 172, ये सप्लाई है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये सप्लाई ये एनसी पॉइंट में घुसा हुआ है। क्योंकि ये अगर पकड़ लेगा तो पेनो होगा तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको ऑफ रहना है, हमको पकड़ना है एक नंबर को, एक नंबर हम बस कपलर दे रहा है। तो ये एनसी से निकलने का बाद ये हम लोग का जाएगा जो आरवे मोड कॉन्ट्रैक्टर होता है, आरवे मोड भी हम लोग को ऑफ रखना पड़ेगा दो नंबर का। तो दो नंबर जो के आर ए एच बी जो कॉन्ट्रैक्टर है, तो इसका देखिए ऊपर हिस्सा पर आपको दिखा देता है, ये ऊपर का ये भी एनसी पोजीशन पर ही जा रहा है, ये थोड़ा अंदर है, ये देखिए आप उंगली से नहीं देखा सकता आपको, ये थोड़ा आप ये देखिए ये वाला सप्लाई ऊपर में एनसी पोजीशन में लगा हुआ है। तो ये सप्लाई जैसे आउट होगा दी है, यह हमें डबल एयर देख सकते हैं, जो आउट होने के बाद दो एयर हो गया, ये हमें देख सकता है, ये देखिए डबल एयर है। तो यहाँ से आउट होने के बाद देखिए ये सप्लाई के टू ए एक्स ए वन, ये सप्लाई डायरेक्टली हम लोग का, ये देखिए जो के टू एक्स ये कॉन्ट्रेक्टर ऑक्सिलरी कॉन्ट्रेक्टर होता है बस कपलर का, तो इसका ए वन पर आ रहा है। तो वहाँ से एक कनेक्शन वहाँ पर आ रहा है, और एक लूप हम बताया जो ये लूप ये दूसरा जो एच आर एच ए जो एक नंबर का रिमोट का कॉन्ट्रेक्टर होता है, तो उसका साथ ये लूपिंग किया गया है। लूप ये आउटपुट यहाँ पर आएगा, यहाँ से सप्लाई वो वहाँ पर पहुँच रहा है। तो अभी देखिए इसका नेगेटिव सप्लाई हम बता देते हैं अभी, तो नेगेटिव कैसे पहुँच रहा है। तो हम लोग का नेगेटिव उसी तरह से ये नेगेटिव डायरेक्टली आ रहा है, ये डायरेक्टली कहाँ से ले लिया, ये 110 ही है, तो ये वागो से ले लिया। देखिए 110 वोल माइनस ये जो है ये सप्लाई, ये 110 वोल वागो है। तो यह से लेने के बाद हम लोग का जो एक नंबर कंट्रेक्टर होता है बस कपलर का, तो एक नंबर पर ये देखिए 110 वोल माइनस ये देखिए अंदर वाला ये सप्लाई ये वाला आ रहा है। तो ये यहाँ हम डबल वायर देख सकता है, ये 11 का साथ है, ये बी का साथ लूप है, क्योंकि नेगेटिव लूप ही लिया जाता है, लूप है सारा कॉन्ट्रेक्टर का साथ लूप हो जाता है। तो यह से एक लूप हो गया इसमें, तो ये सप्लाई वापस से आ रहा है। तो ये कॉन्ट्रेक्टर जैसे होल्ड होगा तो यह से सप्लाई ये इनो कंडीशन पर है, ये कॉन्ट्रेक्टर होल्ड होने के बाद ये सप्लाई आउट होगा। फिर हम लोग का दो नंबर का जो एच ओ जी बी, तो इसका ये एनसी पर जा रहा है, ये देखिए एनसी पर ये सप्लाई है नेगेटिव। तो ये सप्लाई जैसे आउट होगा, ये सप्लाई आउट होने के बाद हम लोग का कन्वर्टर को भी ऑफ करना होगा। तो कन्वर्टर का कौन सा है ये देखिए, ये एच के टू ये जो कन्वर्टर कॉन्ट्रेक्टर होता है इसका, ये देखिए ये वाला सप्लाई ये आ रहा होता है, वो एच ओ जी बी से सप्लाई देता है इसका। ये देखिए ये सप्लाई आउट होने के बाद यहाँ पर एनसी पोजीशन पर आएगा, ये सप्लाई एनसी ये डायरेक्ट है सप्लाई। तो यह से आउट होने के बाद, क्योंकि इसको ऑफ करना है, ये सप्लाई आउट होने के बाद ये जाएगा हम लोग का देखिए जो दो नंबर का के नाइन एच ओ जी सर्किट। तो इसका देखिए ये ऊपर हिस्सा पर जाएगा, देखिए ये वाला सप्लाई वो कन्वर्टर से आ रहा है डायरेक्ट। ये आने के बाद ये सप्लाई यह में डबल वायर है, एक वायर जा रहा होता है डायरेक्टली, देखिए एच टू के टू ए टू ये सप्लाई जा रहा होता है इसका, के टू जो ऑक्सिलरी कॉन्ट्रेक्टर है ये वाला सप्लाई जा रहा होता है ए टू पर, तो ये सप्लाई पहुँच जाता है। और दूसरा सप्लाई ये जो के एट जो ये सर्किट कॉन्ट्रेक्टर होता है, तो यहाँ पर ये लूप हो जाता है, ये लूप है। तो हम एक को हम बता दिया कैसे ए वन पर पूछ रहा है सप्लाई, और दूसरा हम बता देता है, दूसरा भी हम पहले बताए जो दो नंबर का आपको देना है, तो एक नंबर आपका ऑन ऑफ रहे ऑफ रहेगा मतलब। तो एम टू एम बी में सप्लाई हम देखा है इनकमिंग सप्लाई, यह से लूप किया गया, एक तो आ रहा है वागो से ये लूप है। तो ये सप्लाई जैसे आउट होगा, ये जब दो नंबर ऑन होगा तो एक नंबर को हमको ऑफ कर रखना होगा। तो ये दो नंबर जाएगा तो हम दो नंबर जो के 11 बस कपलर कॉन्ट्रेक्टर, तो ये भी एनो पर पोजीशन में ही जाएगा। तो नीचे ये ऊपर वो एमसीबी से जो एम टू एम बी वहाँ से सप्लाई जो आउट हुआ, यह से सप्लाई आ रहा है यहाँ पर एनो पोजीशन पर आ रहा होता है। ये के 11 है, दो नंबर कॉन्ट्रेक्टर का, ये 24 वोल्ट से होल्ड होता है एक्चुअली, ये 110 वोल्ट है, एनो पर जा रहा होता है। ये जैसे होल्ड होगा तो ये सप्लाई आउट होगा, ये आउट होने के बाद ये हमको एक नंबर को ऑफ रखना होगा। तो एक नंबर हमारा ई चूजी सप्लाई को ऑफ रखना होगा, तो ई चूजी सप्लाई जैसे हम एक नंबर को ऑफ रखेगा तो एक नंबर का ही हमारा एनसी पॉइंट पर घुसेगा। तो ये सप्लाई एनसी यही पॉइंट है, तो ये देखिए ये वाला एनसी है, ये एच ओ जी ए का ये कॉन्ट्रेक्टर है, तो इसका एनसी पोजीशन पर जा रहा है।
ये सप्लाई एनसी से जैसे आउट हुआ फिर ये सप्लाई हम लोग का जाएगा। एक नंबर को ही हमारा बंद करना होगा तो एक नंबर में जाएगा, तो एक नंबर का हमारा ये भी जाएगा एनसी फोर, क्योंकि ये आर एम कॉन्ट्रैक्टर होता है, इसको भी ऑफ रखना होगा। तो आर एम कॉन्ट्रैक्टर का ये नीचे हिस्सा पर जा रहा है, नीचे हिस्सा पर आपको दिखा नहीं सकता, इसका एनसी पोजीशन पर जा रहा होता है। तो यहाँ से जो सप्लाई आउट हुआ ऊपर हिस्सा से, ये ऊपर का हिस्सा ये लूप है दो नंबर का, जो नीचे हिस्सा हम बताया था आपको, जो दो वायर है एक लूप ऊपर पर है इसका एक नंबर का, वो इनकमिंग नीचे से आ रहा है एच ओ जी ए से, और आउटपुट ये दो नंबर का आउटपुट से जुड़ा हुआ है। तो ये सप्लाई डायरेक्ट जा रहा होता है के टू एक्स, जो बस कपलर ऑक्सिलरी कॉन्ट्रेक्टर मेन कॉन्ट्रेक्टर होता है, तो वहाँ पर ए वन पर पहुँच रहा है। और नेगेटिव सप्लाई हम बता देता है, नेगेटिव भी आपको बताया, जो एक नंबर हम पहले बता दिया वागो से आ रहा होता है सप्लाई, वागो से और लूप लिया गया ये के इलेवन पर, इलेवन से जैसे एनओ पर कनेक्शन है, ये आउट होने के बाद ये दो नंबर का, तो बंद करना होगा हमको एक नंबर को, तो दो एक नंबर में ही जाएगा ये सप्लाई हम लोग का, एक नंबर एच ओ जी जो होता है तो एक नंबर में जाएगा। तो एक नंबर से ये देखिए ये एक नंबर पर जा रहा है इसका एनसी पोजीशन पर, एनसी से जैसे सप्लाई आउट होगा ये हम लोग का जाएगा। देखिए हम लोग का जो कन्वर्टर वन होता है एच के वन कॉन्ट्रेक्टर, तो इसका एनसी पोजीशन पर जा रहा होता है। तो देखिए इस एनसी ये नीचे है, देखिए ये नीचे ये वाला ये एक नंबर को हमको, क्योंकि दो नंबर चालू रहेगा तो एक नंबर बंद रहेगा, तो इसका एनसी पोजीशन पर जा रहा होता है। एनसी से जैसे सप्लाई आउट होगा तो हम लोग का जाएगा ये हम लोग का, देखिए एक नंबर जो के एट कॉन्ट्रेक्टर का, के एट कॉन्ट्रेक्टर का ये ऊपर हिस्सा पर ये देखिए एनसी पोजीशन पर जा रहा होता है। एनसी पोजीशन से क्योंकि ये भी कॉन्ट्रेक्टर को ऑफ रखना होगा तो अब ये चालू रहेगा। तो ये हम लोग का यहाँ से जो सप्लाई आउट हुआ ये आउटपुट सप्लाई हमारा के नाइन जो कॉन्ट्रेक्टर होता है, तो इसका आउटपुट का साथ जुड़ा हुआ है लूप कनेक्शन है, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्टर होल्ड होगा तो यहाँ से सप्लाई जा रहा होता है इसका नेगेटिव पर, ये के टू एक्स बस सप्लाई मेन कॉन्ट्रेक्टर जो होता है ए टू, इसमें जा रहा होता है। और ये भी कॉन्ट्रेक्टर के एट सर्किट एच ओ जी ये ऑन होगा, ये लूप है, कोई भी कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा तो एक सप्लाई जा रहा होता है इसका नेगेटिव पोल। तो हम बता दिया इसका ये कॉन्ट्रेक्टर कैसे होल्ड होता है, 110 वोल्ट इसको 110 मिल जाता है तो ये कॉन्ट्रेक्टर होल्ड हो जाता है। ये कॉन्ट्रेक्टर जैसे होल्ड हो जाता है कोई भी तरीके से ये कॉन्ट्रेक्टर होल्ड होगा तो हमारा बस कपलर ये कॉन्ट्रेक्टर होल्ड हो जाएगा। तो ये कपलर कॉन्ट्रेक्टर में सप्लाई कैसे पहुँचता है, ये इसका ई वन ए टू सप्लाई देख सकता है यहाँ पर, ये बस कपलर मेन कॉन्ट्रेक्टर पर है, इसको 110 कैसे पहुँचता है ये हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले ये सप्लाई सप्लाई वाला ये देखिए कॉन्ट्रेक्टर, ये कॉन्ट्रेक्टर का साइड में इधर देखिए बहुत सारा डीसी यहाँ से सप्लाई ले गया है, तो यह हमें एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है। तो यह से सप्लाई देखिए यह हमें लिखा हुआ है के टू ए वन बोल के एक सप्लाई है, तो यह से वहाँ को से एक सप्लाई उठा के ले गया हम लोग का। देखिए ये जो इधर देखिए एम सी बी एक टू देखने को मिलेगा, ई एम 14 मतलब एक 14 नंबर एम सी बी का नीचे जा रहा होता है वो वहाँ से, तो ये एम सी बी जैसे ऑन करेगा ये सप्लाई हम लोग का ऊपर से आउट होगा। आउट होने के बाद जो ये कॉन्ट्रेक्टर होता है के टू एक्स, तो इसका एनो पोर पोजिशन पे आ रहा होता है, ये लूप है, तो यहाँ से जो सप्लाई एनो में आउट होगा, एनो ये कॉन्ट्रेक्टर जैसे होल्ड हो जाएगा ये सप्लाई डायरेक्टली हम लोग का यहाँ से आउट होने के बाद ये हम लोग का जो कॉन्ट्रेक्टर देखिए जो बस कपलर कॉन्ट्रेक्टर ये देखिए ये यहाँ पर डायरेक्टली ए वन पर ये जा रहा होता है के टू ए वन ए टू, तो ये सप्लाई कॉन्ट्रेक्टर से डायरेक्ट एनो से आ रहा होता है। और नेगेटिव सप्लाई इसका कैसे लिया गया, ये नेगेटिव भी इधर देखिए जो ये नेगेटिव है देखिए के टू ए टू बोल के जो सप्लाई है यहाँ से नेगेटिव से ये वायर उठा के ये डायरेक्टली हम लोग का ये जो कॉन्ट्रेक्टर होता है के टू एक्स ये देखिए के टू ए टू बोल के इसका एनो पोजीशन पर लगा हुआ होता है, इसका जैसे कॉन्ट्रेक्टर होल्ड होगा एनो से ये एन सी बन जाएगा, तो ये सप्लाई ऊपर हिस्सा पर आउट होगा, ऊपर से जैसे आउट होगा ऊपर कनेक्शन ये लूप है देख सकता है के टू ये 2.1 यही सप्लाई ऊपर वाला है, तो वहाँ से फिर एनो में लगा हुआ है ये सप्लाई, ये कॉन्ट्रेक्टर जैसे होल्ड होगा ये फिर आउट होगा। ये देखिए के टू ए टू टू जो सप्लाई है ये सप्लाई डायरेक्टली जा रहा होता है हम लोग का जो बस कपलर मेन कॉन्ट्रेक्टर, तो ये देखिए यहाँ में के टू ए टू टू बोल के जो सप्लाई है नेगेटिव पर जा रहा होता है, ऐसे आपको सर्किट कम्प्लीट होता है। तो आपको हम देखा है जो बस कपलर कॉन्ट्रेक्टर का सप्लाई कैसे कम्प्लीट हो जाता है, तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगने पर कम से कम लाइक शेयर कीजिएगा, जैसे कि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिले तभी हमको वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा लगे। तो ठीक है।